लखनऊ से बड़ी खबर है, कमलेश तिवारी की पत्नी को धमकी मिली है। कमलेश तिवारी के घर में घुसकर हत्या की गई थी। कमलेश तिवारी की पत्नी को मिला है उर्दू में लिखा धमकी भरा पत्र। पुलिस ने बढ़ा दिया, हालांकि कमलेश तिवारी की पत्नी के घर की सुरक्षा लिखा है, जहां तुम्हारे पति को पहुंचाया वहां तुम्हें भी पहुंचाएंगे। ये पत्र मिला है कमलेश तिवारी के घर से, बड़ी खबर ये हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, कमलेश तिवारी की पत्नी को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। घर में घुसकर हत्या की गई थी कमलेश तिवारी की, ये भी आपको बता दें। और अब उनकी पत्नी को उर्दू में लिखा धमकी भरा पत्र मिला है। हालांकि अब पुलिस ने कमलेश तिवारी की पत्नी के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है, ये बड़ी खबर है। हालांकि इस पत्र में अगर हम बात करें, जो बातें लिखी हुई है, जो जिक्र किया जा रहा है वो ये है कि जहां तुम्हारे पति को पहुंचाया है वहां तुम्हें भी पहुंचाएंगे। मयूर हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मयूर, कमलेश तिवारी के पहले घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी और अब पत्नी को भी धमकी भरा पत्र मिला है, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया? बिल्कुल, देखिए कमलेश तिवारी एक बड़े हिंदूवादी नेता थे, राजधानी लखनऊ में उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उनकी पत्नी ने जो उनका संगठन था उसका मोर्चा संभाल लिया था, उसकी अध्यक्ष हो गई थी। लेकिन आज एक बार फिर से एक धमकी भरा पत्र उनकी पत्नी को दिया गया है उर्दू में। इस बात का जिक्र है कि जिस तरीके से तुम्हारे पति की हत्या की गई थी, उन्हें ऊपर पहुंचाया गया था, उसी तरीके से आपकी भी हत्या की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि इसके पहले कमलेश तिवारी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, जबकि कमलेश तिवारी को पुलिस प्रोटेक्शन दिए जाने की बात कही गई थी, उसके बावजूद ये लापरवाही पुलिस की देखने को सामने आई थी कि घर में घुस के उनकी हत्या दी गई। लेकिन एक बार फिर से उनकी पत्नी की हत्या करने की भी धमकी दी गई है उर्दू में, जो है पत्र वो सामने आया है। पुलिस ने हालांकि जो है पत्र को अपने कब्जे में कर लिया है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार किसने ये पत्र जो है लिखकर भेजा है, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन भी वहां पर बढ़ा दिया गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस के लिए अब, क्योंकि पहले भी उनके जो है पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी थी कमलेश तिवारी को बचाने की, बचा नहीं पाए थे, लेकिन अब उनकी पत्नी को भी धमकी भरा पत्र मिला है, तो बड़ी जिम्मेदारी है कि जांच पड़ताल इसकी की जाए और कौन इसके पीछे है इसका पता लगाया जाए और उनकी पत्नी को प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है मयूर, बहुत शुक्रिया आपका।